आज के क्लास में डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, प्रकीर्णन, बिखराव, कैसे बिखरता है। तो यह तीन विधि द्वारा होता है, बाय एयर जैसे, और कीट सबका और इस सबका देखते हैं, मदार सबका रुइया के तरह उड़ते रहता है, लेकिन उसमें बीज रहता है, छोटा छोटा बीज रहता है। तो वह जो है हवा के द्वारा धीरे धीरे उड़ते जाता है, जैसे हवा के द्वारा उड़ के एक जगह से दूसरे जाना जगह चले जाना, फिर अनुकूल मौसम वर्षा होने पर फिर अंकुरित हो जाता है। क्योंकि एक वृक्ष के नीचे अगर सभी बीज उगाए तो वह जो है क्या होगा, पौधा कमजोर हो जाएगा, सभी को भोजन नहीं दे पाएगा। अगर एक आदमी को 10 बच्चे हो जाएं तो सभी को का मेंटेनेंस करना, समुचित ढंग से पढ़ाना संभव नहीं है। उसी तरह इसमें कुछ मर जाएगा, कुछ डेवलप करेगा, कुछ आधा में सूख जाएगा। इसलिए यह बिखराव जरूरी है, प्रकृति के द्वारा बिखर जाता है, हवा के द्वारा उड़ उड़ के दूर दराज चला जाता है। तो इसमें है जैसे शीशम का भी होता है, ड्रमस्टिक का भी होता है, तो हवा के द्वारा उड़ जाता है। अब दूसरा है वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा, जैसे नारियल का पौधा, ताड़ का पौधा, ये सब पानी में गिर गया धीरे धीरे, कमल का है पोखर में गिरा, वह धीरे धीरे बाकी दूसरी जगह चला जाता है, वहां सड़ के फिर अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। इसके बाद है एनिमल के द्वारा, जैसे हम लोग आम ले लिए, जामुन ले लिए 1 किलो, अब कहीं पर ले लिए, ट्रेन में जा रहे हैं खा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं खा रहे हैं फेंकते जा रहे हैं, बीज को अनुकूल मौसम जब आया, बरसात का मौसम आया, अंकुरित होकर एक नए पौधा होता है। जैसे अमरूद का हम लोग खा लेते हैं, बीज समेत खा लिए, और अब तो बाथरूम का जमाना है, लेकिन पहले जमाने में तो क्या था, लैट्रिन करने के लिए बाहर चले गए, वो सड़ता नहीं था, कोई एंजॉय काम नहीं करता था, तो खेत में फील्ड में देखते थे बहुत ज्यादा अमरूद का पौधा निकल आया है। वह कहां से आया, मल के द्वारा जो त्यागे वही वहां पर होते, इसका प्रकीर्णन हमारे घर में है अमरूद का पेड़, खेत में कैसे हुआ, तो वहां से फिर उखाड़ के लाके बच्चा लोग इधर उधर गाड़ के नया पौधा को करता है, एक नया पौधा बन जाता है। तो यह जंतु के द्वारा भी होता है, या कोई जंतु खा लिया बीज को पैखाना कर रहा है, जैसे कहीं कहीं पीपल का पौधा निकल आता है, घर द्वार में पीपल का पौधा आता है, किसी वृक्ष पर पीपल का पौधा निकल आता है, वो यही कारण है, जंतु उसके बीज को खा के वहां मल त्याग किया और वह जो है अंकुरित होकर अनुकूल मौसम में नया होता है। और फिर तब बीजों का अंकुरण फिर होता है, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड से शुरू किए थे और फिर सीड को बना दिए, ये पूरा